मुझे सृष्टिकर्ता के अस्तित्व पर संदेह था और यह संदेह मुझे आहत करता था, और मैं सोचता था कि पृथ्वी पर कोई मोमिन नहीं है। जी हाँ, इस हद तक मेरी स्थिति हो गई थी। मैं सोचता था कि कोई भी मुझे सृष्टिकर्ता के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त नहीं कर सकता। यह चरण मेरे लिए बहुत भारी था। यह स्थिति मुझे चिंतित करती थी। मैंने प्रयास किया कि किसी नतीजे तक पहुंचूं, परंतु मैं किस मार्ग पर चलूं, सुख की राह पर जबकि जिंदगी छोटी है, या किसी और रास्ते पर। वास्तव में यह मामला एक गहन चिंता का विषय था जो दिन रात मुझ पर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि मैं सो भी नहीं पा रहा था। मैं अपने घर से बाजार जाता था। बाजार में मेरे पिता की दुकान थी और मुझे अपने आसपास के लोगों के बारे में पता भी नहीं होता था। जब तक कि मेरा कोई दोस्त मुझे सलाम करते हुए पकड़ नहीं लेता, मैं उसे जवाब नहीं देता था क्योंकि मैं उसे सुन नहीं पाता था। कोई मुझे पकड़ कर पूछता, तुम कहाँ थे? तब मेरी तंद्रा भंग होती और मैं सावधान होता। तब मैंने फैसला किया कि अनिवार्य रूप से मुझे किसी न किसी नतीजा तक पहुँचना है, या तो इस पार या उस पार। इसलिए मैंने नतीजा तक पहुँचने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे यह नहीं छुपाऊंगा कि मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा था, लेकिन मुझे उनके एक शब्द से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने किताबें पढ़ने में काफ़ी समय बिताया। मेरे हाथ में पढ़ने वाली हर चीज़ को मैंने पढ़ा। मैं सृष्टिकर्ता के अस्तित्व के लिए ठोस सबूत ढूंढ रहा था। मैं लंबे समय तक इसी स्थिति में रहा, लेकिन जब पवित्र अल्लाह ने इस मामले में मेरे सच्चे प्रयास को देखा तो उसने मेरी मदद की, और मुझे वह दलील याद है जो मुझे संदेह से विश्वास की ओर ले गए, अल्लाह पर ईमान लाने की ओर ले गए। इस दिन को मैं ईमान का दिन कहता हूँ। वास्तव में हर चीज़ को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया, अर्थात मैंने अस्तित्व को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू किया। मैं चेहरे को देखता तो ये चेहरे मुझे उस चेहरे से अलग नज़र आते जिसे मैं कल देख रहा था। मैं वृक्ष को पिछले दृष्टिकोण से अलग होकर देखने लगा। मैं अपने आप को तथा चांद को उस नज़रिए से हटकर देखने लगा था जिस नज़रिए से मैं पहले उसे देखता था। पहले मैं अल्लाह को किसी जगह नहीं देख पाता था, तथा अब मैं प्रत्येक स्थान पर अल्लाह को देखने लगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक व पवित्र है। मैं आपको पहली दलील बताता हूँ जो मुझे ईमान की ओर लेकर गई। वास्तव में मैं स्ट्रेंज क्रिएचर्स अर्थात रहस्यमयी जीव के विषय में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि एक तरह का मच्छर होता है। यदि वह प्रजनन काल में प्रजनन करना चाहता है तो नदियों और तालाबों में अंडे देता है। वो अपने शरीर पर दबाव डालता है जिससे उसके शरीर में छिद्रों के माध्यम से हवा से सूखने वाला तरल निकलता है, मकड़ी के जाले की तरह। वह सूख जाता है और वह इससे छोटी नावें तथा नौका बनाता है। मादा मच्छर छोटी नावें बनाती हैं जिनमें वे नदियों में अंडे देती हैं, फिर माँ की मृत्यु हो जाती है, वह मर जाती है और फिर लार्वा निकलता है जो बढ़ता और बड़ा होता है। लार्वा जब प्रजनन करते हैं तो इसी क्रिया को दोहराते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो मच्छर बन जाते हैं, और फिर प्रजनन काल में वे अपने शरीर पर दबाव डालते हैं और नावें बनाते हैं, अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। हाँ, सवाल यह है कि उसके शरीर में नाव बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री को किसने डाला? सामग्री जो सूख जाती है। किसने उसे नाव बनाना सिखाया? किसने उसे सिखाया कि अपनी माता के समान क्रिया दोहराए, जबकि उसने अपनी माता को देखा ही नहीं कि माँ क्या करती है। उसकी माँ तो मर चुकी। यदि उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा होता तो हम कह सकते थे कि उसने अपनी माँ से ऐसा करना सीखा है। जब माँ को नहीं देखा कि माँ क्या करती है, तो फिर इसे किसने ऐसा करना सिखाया? और यदि यह प्रक्रिया ना होती तो इसकी नस्ल लुप्त हो जाती। वास्तव में इसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। किसने उसे सिखाया कि अपनी माता के समान क्रिया दोहराए, जबकि उसने अपनी माता को देखा ही नहीं कि माँ क्या करती है? इसी प्रकार की एक और कहानी है जिसका उल्लेख मेरे एक मित्र ने किया है। उसके पास एक इनक्यूबेटर था जिसमें वह मुर्गी के अंडे रखता था। सो उसने उसमें 30 मुर्गी के अंडे रखे, और उसके पास एक अंडा जल पक्षी का था, उसने उसे भी उसमें डाल दिया ताकि संख्या पूरी हो जाए। उसने मुर्गी के अंडों के साथ जल पक्षी का अंडा रखा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मुझे पता है कि अंडे कब निकलते हैं, अतः मैं अंडे की निगरानी करने लगा कि बच्चे कब निकलते हैं। वो कहता है कि उसमें से 30 चूजे निकले और उनके साथ यह जल पक्षी भी निकला। मेरा मित्र कहता है कि सभी चूजे खेत की ओर चले गए, जबकि जल पक्षी का यह बच्चा अकेले नाली के किनारे चला गया जिसमें वह तैरने तथा स्नान करने लगा। यह जल पक्षी है, इसका अंडा मुर्गी के साथ से आ गया।
इसने अपनी माँ को नहीं देखा तो वह चूजों के साथ खेत में क्यों नहीं गया? किसने उसे सिखलाया कि वह जल पक्षी है? फिर मुझे पता चला कि मधुमक्खियाँ षटकोणीय कोशिकाएँ बनाती हैं नियमित ढंग से। यदि आपने उसमें से एक अंडा भी निकाल लिया और उसे किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिया तो वह अंडे को तोड़ देगी तथा पुनः षटकोणीय कोशिकाएं बनाएंगी जिसमें वो शहद रखेंगी। यद्यपि उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए नहीं भी देखा हो, वास्तव में इसने मेरा ध्यान खींचा।